आज की वीडियो स्पेशली उन्हीं के लिए है जिनको चेकबुक नहीं है और वो बैंक जाते हैं तो बैंक वाले बोलते हैं कि मैं कर दिया हूँ, कुछ टाइम लगेगा और आपको पता ही नहीं होता है कि किया है कि नहीं। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि अब आपको बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है या बैंक में जाकर कोई चक्कर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप घर बैठे खुद से ही चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, मैं इंजीनियर राजा और मैं आपसे सजेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस रेड बटन को दबा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस तरीके का नया नया वीडियोस पाइए आप रोजाना। चैनल सब्सक्राइब करते ही आपको क्या करना है, साथ में इस बेल के बटन को प्रेस कर लेना है और इसको जो है क्या करना है, ऑल कर देना है, क्योंकि मैं पर डे नया नया वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचेगा। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप घर बैठे आप खुद से ही आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी ये काम कर सकते हैं। अगर आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप से भी आप जो है चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको दुकान वाले के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है या वहाँ पर जाकर चक्कर लगा के लंबे लंबे लाइन लगा के पैसे खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको साइबर कैफे या कहीं भी जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं जिससे आप बहुत ही इजी तरीका से आप चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको कितने पेज का चेकबुक चाहिए उसके लिए भी मैं आपको बताऊंगा कि 10, 20, 25, 50 कितने पेज का आपको चेकबुक चाहिए उसके लिए आप यहां से जो है ऑप्शन रहता है उसमें जाके आप जो है आप 10, 20, 50, 25 जो भी आप चेकबुक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो आप बहुत ही ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो आपको कहीं भाग दौड़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बताने वाला हूं जिससे आप बहुत ही इजी तरीके से घर बैठे आप चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना होगा तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे कि किस तरीके से आप खुद से ही चेकबुक के लिए आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा आप जो है चेकबुक के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे और ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर डालेंगे SBI। जैसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन आ चुका है, आप SBI वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए पर्सनल बैंकिंग आपको लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कंटिन्यू टू लॉगिन आपको इस वाले पे क्लिक कर देना है। इसके बाद जो है आप अपना यूजर नेम पासवर्ड इसका ये कैप्चा आपको यहाँ पर डालना है। अगर कैप्चा समझ में नहीं आता है तो कैप्चा को इस तरीके से रिफ्रेश करके दूसरा कैप्चा ले आएंगे। जो भी कैप्चा आएगा आपको कैप्चा यहाँ पर डाल के यहाँ पर लॉगिन वाले पे क्लिक कर देना है। लॉगिन करते ही आपके मोबाइल पे पासवर्ड भेजा जाएगा, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर सबमिट वाले पे क्लिक करेंगे। सबमिट वाले पे क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए कि आप जो है इंटरनेट बैंकिंग में यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से चेकबुक के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए रिक्वेस्ट एंड इंक्वायरी से आपको इस पर कर्सर रखिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पे हाईलाइट होकर आ जाएगा। यहाँ मोर वाले पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मोर वाले पे क्लिक करते हैं तो ये जो ऑप्शन यहाँ पर आपको ओपन होकर आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि चेकबुक सर्विस आपको इस वाले पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए चेकबुक रिक्वेस्ट आपको इस वाले पर क्लिक करना है। जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए कि आपको जो है जो भी अकाउंट है वो आपको यहाँ पर आ चुका है। कौन सा अकाउंट है, जैसे करंट है या सेविंग है, वो आपको यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर आपका ब्रांच आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आपको जो है मल्टी सिटी ऑप्शन आपको इसमें जो है यस वाले पर क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको चूज करना है नंबर ऑफ चेकबुक, आप कितना नंबर का चेकबुक चाहते हैं, एक या दो, वो आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। तो इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर 1 और 2 आ गया है, आपको इसमें सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर जो है नंबर ऑफ चेक लेवल, आप कितने लेवल का मतलब कितने पेज का आप जो है चेकबुक चाहते हैं वो आप यहाँ पे जो है क्लिक करके आप इसमें से चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10, 20, 25, 50, तो आप कितने पेज का चाहते हैं वो आपको इसमें से सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कि आप जो है इंस्ट्रूमेंट सब कैटेगरी, मतलब यहाँ पर देखिए बैरेट चेक और यहाँ पर ऑर्डर चेक। अब इसका जो है आपको डिटेल में समझने के लिए स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पर देखिए कि आपको बैरेट चेक और ऑर्डर चेक आपको इसको जो है आपको एक बार रीडिंग कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर बैरेट चेक को क्लिक कीजिएगा। इसके बाद जो है आपको यहाँ सबमिट वाले पर क्लिक कर देना है। चेकबुक जो यहाँ से अप्लाई हो जाएगा और आपका जो भी एड्रेस है उसी एड्रेस पर आपका ये चेकबुक आ जाएगा।
सो गाइस आप जो है बहुत ही आसानी से आप घर बैठे आप चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप जितने पेज का चाहते हैं उतने पेज का आप यहाँ से जो है चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ 20, यहाँ 10, यहाँ आपको 25 और 50 जो भी आप चाहिए आप यहाँ से आप सबमिट वाले पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास तो ऑलरेडी अभी आया ही हुआ है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करके नहीं दिखा रहा हूँ। अगर आपके पास नहीं है चेकबुक तो आप बहुत ही इजी तरीके से ये जो ऑप्शन अपना के आप जो है चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या आप जो है यहाँ अकाउंट नंबर पर क्लिक करके आप अपना लिमिट के हिसाब से यहाँ पर जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप जितने बड़ा पेज का चाहते हैं वो आप इतना पर चूज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ सबमिट वाले पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका जो है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। सो गाइस बहुत ही इजी तरीके से आप घर बैठे आप चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं बिना बैंक जाए। सो गाइस आप तो अब सीख ही लिया होगा कि किस तरीके से आप घर बैठे बिना कहीं भाग दौड़ किए बिना बैंक के चक्कर लगाए आप किस तरीके से चेकबुक के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। अगर आपके दिल में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करके पूछ सकते हैं।